विधवा के समान रहते हैं, अगर सा सिंगार करते हैं तो शरीर में कष्ट आते हैं, बिंदिया लगाते हैं तो नाखून में कष्ट आते हैं, रंगीन साड़ी धारण करते हैं तो शरीर में कष्ट आते तो कभी हैं, नहीं डालते ना। नहीं डालते हैं इसलिए। तो जो आपके परिवार में जो जैसे कोई विधवा महिला है उसमें और जो सुहागन महिला है को क्या अंतर दिखता है, कैसे पहचान होती है? हाँ, सुहागन है वो जो कांसा के चूड़ी पहनते हैं, और विधवा है चांदी के चूड़ी पहनते हैं। इसी से बस फर्क हाँ, होता है, इसी से फर्क आते हैं। बाकी एक ही जैसे थे। हाँ, और वस्त्र तो सफेद ही रहते हैं, विधवा में भी या सुहागन में भी। मेरे शादी तो अभी अभी हुआ है, अप्रैल। कितना पढ़ी हैं आप? BA पूरा हो गया अच्छा, शादी कब हुआ आपका? अप्रैल में। अभी जो ये परंपरा है किस नजरिए से देखते हैं, आपको अटपटा नहीं लगता? लगता है मगर एडजस्ट हो गया। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? मतलब जब आप अपनी सहेलियों से मिलती होंगी तो थोड़ा सा ये रिवाज पहनते हैं तो वो दूसरा रिवाज पहनते हैं, तब कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ आने के बाद ना पूरा यहाँ यहाँ परंपरा की परंपराओं को मानना पड़ रहा है। नहीं, तो अब आसानी से कोई वो मन में वो नहीं रहता, दिक्कत भी नहीं आती, कोई पछतावा भी नहीं होता कोई? नहीं। लगभग 200 साल से मनाते आ रहे हैं, और हमारे जो पूर्वज थे दादी माँ, उसको देवी के बारे में शंका हुआ इसलिए वो श्राप दे दिया, इस कारण अभी तक ये हो रहा है। क्यों श्राप दे दिया? उसको शंका हुआ था कि वो कोई औरत है करके, जबकि वो देवी थी, उसके साथ मारपीट किया, उसने श्राप दे दिया, तब से ये परंपरा आ रहा है अभी तक। कितने सालों से आप लोग निभा रहे हैं? अब कहने को 200 साल बोल रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा है ये, कितनी पीढ़ी है ये आपकी? मेरी 10वीं पीढ़ी है ये, मैं 10वां नंबर का हूँ। लगातार मना रहे हैं हाँ, आप? लगातार मना रहे हैं। वो हमारे बड़े पिताजी थे वो लोग तोड़े तो वो लोग पूरा नाश हो गए समझो, उसका कुछ नहीं बचा, यहाँ खत्म हो गए सब लोग? सब खत्म हो गए। और भी कोई इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा शिक्षित हुए हैं इसलिए करते हैं, लेकिन कष्ट होता है फिर छोड़ देते हैं उसको। इस परिवार को हम लोग सम्मान बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि परंपरा चले आ रहा है। पिछले हम मेरा उम्र है अभी 63 साल, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं जानता हूँ इस परिवार को, अब यहीं हूँ पैदा हुआ। आसपास के लोग भी इनको पुजारी मानते हैं, यहाँ वो भोजन वोजन भी लेके आते हैं इनके लिए? 17-18 गांव के पुजारी हैं जी सर, और वहाँ सब जाते हैं पूजा करने के लिए। ये धान वान कुछ होता है तब इनके यहाँ भोजन वोजन भी लाते हैं? हाँ, नया खाई भी होता है इनके यहाँ। हाँ, मतलब पूरे एरिया में सम्मानित है? हाँ, पूरा एरिया में सम्मानित है।